नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। हालात ये हैं कि यमुना नदी का पानी ITO राजघाट और लाल किले की तरफ बढ़ चला है। यमुना नदी से सटे निचले इलाकों को दिल्ली सरकार ने पहले ही खाली करवा लिया है। यमुना के जलस्तर को देखते हुए दिल्ली में मेट्रो ने नदी के ऊपर अपनी ट्रकों की स्पीड घटाने का फैसला लिया है और यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के गेट्स को बंद कर दिया। आइए आपको बताते हैं कि देश की राजधानी नई दिल्ली में आकर ऐसे हालात पैदा क्यों हो गए। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी जलस्तर के बढ़ने के मुख्य वजह हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने का है। हथनी कुंड बैराज से लगभग हर बार मानसून के सीजन में पानी छोड़ा जाता है। जब जब यहाँ से पानी छोड़ा जाता है, दिल्ली यमुना के जलस्तर में इजाफा हो जाता है। आप यह सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा हर साल होता है तो इस बार दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात क्यों पैदा हो गए। तो आपको बता दें कि सेंट्रल वाटर कमीशन के अधिकारियों के अनुसार इस साल हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी कम समय में दिल्ली पहुंच गया। ऐसा पानी की गति की वजह से हुआ। कहा जा रहा है कि यमुना के आसपास अतिक्रमण की वजह से इसके बहने के लिए ज़्यादातर जो है जगह कम हो रही है। इसके लिए अलावा नदी के ऊपर जो है गाद की मात्रा भी बढ़ गई है, एक वजह ये भी हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज यमुना नगर में है। इसकी राजधानी दिल्ली से दूरी करीब 180 किलोमीटर। यहाँ से छोड़ा गया पानी दिल्ली पहुँचने में लगभग 2 से 3 दिन का समय लगता था, लेकिन CWC के अधिकारी ने बताया कि हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुँचने में पिछले सालों की तुलना में कम समय लगा। इसकी बड़ी वजह अतिक्रमण और गाद हो सकते हैं। राजधानी नई दिल्ली में पिछले हफ्ते अच्छी बारिश हुई। बीते शनिवार और रविवार 40 सालों में दिल्ली में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। दिल्ली में रविवार सुबह 8:30 बजे 115 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में इससे पहले 24 घंटों में 100 मिलीमीटर बारिश झेली है, लेकिन राजधानी का सिस्टम इतनी बड़ी मात्रा में बारिश झेलने के लिए तैयार नहीं है। अगर इतनी ही बारिश कई दिनों तक होती रही तो हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।